मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने मतलब जो मैं दिल्ली से लड़ी हूँ या फिर जो मैं खिलाड़ी हूँ दिल्ली में रहती हूँ, मैंने अपना हक मांगा जो बाकी खिलाड़ियों को मिल रहा है, जिस कारण मुझे बधाई संदेश कम आ रहे हैं और ये मैसेज या कॉल ज़्यादा आ रहे हैं कि क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, कब आप दिल्ली में आए, कब आप दिल्ली से गए, ये सवाल मेरे से ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो मैं इन सबसे निकलने के लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अपनी सारी बात रखी कि 2011 से लेकर 2017 तक मैं दिल्ली में थी और उसके बाद मैं यूपी में गई और यूपी सरकार ने मुझे बहुत कुछ दिया। 2019 में रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड और मुझे 2.5 लाख की नाम राशि और 2020 में 20,000 रुपये और आजीवन 20,000 रुपये का जो मेरे चल रहे हैं और अब रजिस्टर ऑफिसर की नौकरी और 50 लाख का इनाम। तो जब मुझे यूपी सरकार इतना कुछ दे रही है तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो खिताब या जो सम्मान और खिलाड़ियों को मिल रहा है जो वो हरियाणा में रहने वाले हैं और लड़ते दिल्ली से है, तो उनको दिल्ली के सरकार भी पैसा देती है और हरियाणा सरकार भी पैसा देती है, तो उस चीज की डिमांड करिए और मुझे उन पर भरोसा है कि वो चीज जरूर पूरी करेंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ, मैं उनके हक की लड़ाई लड़ चुकी हूँ, तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे साथ चल रहा है क्योंकि ये सब मैंने सबके सामने बोला है, किसी से बिना डरे मैं आगे निकल के आई हूँ, बिना अपने फ्यूचर की चिंता करे, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आगे अब मैं ये सब चीज खत्म करके अपने एशियन गेम्स की और ओलंपिक की तैयारी करूंगी।